व्हाट्स अप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर वन इंट्रोडक्शन, सो लेट्स स्टार्टेड। तो चैप्टर वन का नाम है रैशनल नंबर। इससे पहले हमने एक और पार्ट कर लिया इंट्रोडक्शन का। उस पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। इस पार्ट में हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेसिस स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है, देखो यानी कि हम मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में। तो रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है, पी बाय क्यू इंटू आर बाय एस। अगर हम कोई भी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा ना, पी आर इंटू क्यू एस, ये भी रैशनल नंबर होगा, यानी कि ये भी रैशनल नंबर होगा। ये कहती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगला क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो वैसे ही रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू प्लस आर बाय एस इक्वल्स टू आर बाय एस प्लस पी बाई क्यू, है ना। अब देखो, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पी बाई क्यू और सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, ए इंटू मतलब पी बाई क्यू इंटू आर बाय एस इंटू टी बाय यू इक्वल्स टू टी बाय सॉरी पी बाय क्यू इंटू आर बाय एस इंटू टी बाय यू। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज है, तो ए इंटू बी पहले ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, ये कहता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि हम किसी मल्टीप्लाई में आगे पीछे कुछ भी करें तो मल्टीप्लीकेशन आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहता है, आइडेंटिटी क्या कहता है। हम किसी भी रैशनल नंबर पी बाय क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो वो हमेशा उस रैशनल नंबर के इक्वल ही आता है। या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, वन इंटू अगर हम कोई सा भी रैशनल नंबर करते हैं तो वो उस रैशनल नंबर के इक्वल ही आता है। यानी कि वन क्या हुआ, इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगला क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मतलब अगर सपोज करो हमारे पे एक रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट एक्स बी आ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, वन। तो एक्स की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, देखो इधर क्यू मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, और सॉरी इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये पी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई क्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी कि पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी करेंगे तो हम वन आएगा। देखो चेक करते हैं, क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, वन बार में वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, तो क्या आ गया हमारा आंसर, वन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहता है, हम रैशनल नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर वन आ जाए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हर केस में सेम होती है। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आएगा, या फिर उसका उल्टा, जीरो को हम किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी जीरो आएगा। ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहती है, अगर हमारे पे ऐसा कुछ दे रखा था तो उसे हम मतलब पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस प्लस टी बाई फोर दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला टर्म एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर यही वाला टर्म एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इंटू आर बाय एस, फिर साइन किसका है, जो साइन होता है वो आ जाता है, फिर पी बाई क्यू इंटू जो यहाँ नंबर है टी बाय फोर। ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग हिस्से में, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या कहता है, अगर हम कोई रैशनल नंबर है पी बाई क्यू उसे डिवाइड कर रहे हैं आर बाय एस से, तो इससे जो भी डिवाइड आएगा, मतलब देखो पी बाई क्यू को आर बाय एस से डिवाइड करो तो क्या होगा, आर ऊपर चले जाएगा एस इधर, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाय एस अपॉन क्यू बाय आर। यानी कि ये जो नंबर आएगा ना, वो भी इज़ अ रैशनल, एक मिनट आपको देखने का, यहाँ लिख देता हूँ, इज़ अ रैशनल नंबर। मतलब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है पी बाई क्यू, मतलब ये वैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो नो इट डज नॉट शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि पी बाई क्यू को डिवाइड करेंगे अगर हम आर बाई एस से, और इसका उल्टा आर बाई एस को डिवाइड करेंगे पी बाई क्यू से, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल, तो इसलिए ये डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। अगर हमें कोई से भी नंबर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा, देखो इसमें मेनली दो केस होते हैं। पहला एग्जांपल है 2/3, जब ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, जब डिनोम सॉरी हाँ जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है,
यानी कि देखो 2/3 को डिवाइड करोगे तो हमेशा 0. समथिंग आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा, है ना, यानी कि लेस देन 1, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ 0 रखा, यहाँ 1 रखा, अब इसे 0 से 1 के जो डिस्टेंस है ना उसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में, देखो यहाँ कितना लिखा है 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 3 इक्वल पार्ट में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0/1, ये क्या, सॉरी 0/3 हो गया, ये क्या हो गया 1/3, ये क्या हो गया 2/3, ये क्या हो गया 1 को हम 3/3 नहीं लिख सकते, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, तो 2/3 रैशनल नंबर पे क्या हुआ यहाँ, ठीक है। अब अगला केस है जब इसी का उल्टा कर दें, 3/2, 3/2 क्या है, देखो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, तो यानी कि ये किससे बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा या फिर जिससे भी बड़ा हो, तो यानी कि हमारा ये किसके बीच में आएगा, 1 और इसे डिवाइड करके, देखो इसे डिवाइड करने पे क्या आता है 1.5, तो 1.5 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में, तो हमारा रैशनल नंबर ऐसे ही बनेगा 0, 1, 2। अब 1, 2 के बीच में कितने, देखो कितना है, ये है 3/2, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 3/2 को, 0 हाँ इसे ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 0 से 1 के बीच में, देखो ये कितने 3 है, अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, हमें 2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो 4/2, 1 को क्या लिख सकते हैं 2/2, है ना, तो इसे 1 को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं 1, तो इसे लिख सकते हैं 2/2, अब इन दोनों के बीच में एक यहाँ होगा कहीं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और इसे क्या लिख सकते हैं 3/2, तो हमारा 3/2 कहाँ गया, यहाँ। मैं इसे और अच्छे से समझा दूँगा जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, तो मैं अच्छे से और समझा दूँगा। अब अगला क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, जैसे हमने किया था ना, आई थिंक स्टार्टिंग में ही किया था, जब हम 8 स्टार्ट कर रहे थे, हमें 2 नंबर्स फाइंड करने होते हैं किसी दो नंबर के बीच में, जैसे इसमें आप क्या है 2/3 एंड 6/8 के बीच में फाइंड 5 रैशनल नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक मिनट आपको विजिबल कर देता हूँ पहले, ठीक है, हाँ ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इन दोनों रैशनल नंबर का ना डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इधर क्या है 3, इधर क्या है 8, इन दोनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा 3 और 8, देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 × 3 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो 2 × 4 = 8, 8 = 24, 24 आएगा इन दोनों का एलसीएम सेम। अब तो इसे 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसे 3 से, तो क्या हो जाएगा 8 × 16 = 24, और ये क्या हो जाएगा 6 × 18, और ये क्या हो जाएगा 8 × 24। अब इन दोनों नंबर को देखो, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 24, इसका भी 24, अब हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 6, 6 से कोई सा भी बड़ा नंबर ले लो, 6 से बड़ा, 5 से बड़ा कोई सा भी, 5 से बड़ा कितना है 6, 24 × 6, है ना, एक और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 18 × 24 × 6, है ना, तो देखो ये हो गया 6, 4 × 6, 1 × 6, 6, 4 × 24, तो ये कितना हो गया 18/24, और अरे सॉरी 6, 4 × 24, 24, ये तो वापस वही आ गया, तो हम इसे काटेंगे नहीं, इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 18 × 6 / 24 × 6, तो आप देखो ये 16 × 6, 24 × 6 हो गया 96/144, और इसे मल्टीप्लाई करने पे आ गया 108/144, देखो अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो गए 97/144, ऐसे ही ले लेंगे 107/144, इसमें से कोई से 5 लिख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।